बीजेपी ने जिन लोगों को भी राज्य की कमान सौंपी है उनमें सादगी बेमिसाल है। आप मनोहर पर्रिकर को देख लें या यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को इनकी सादगी ने जनता को अपना कायल बना दिया। यूं तो राज्यों के सीएम कार के काफिले के साथ ही कहीं आते जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने शुक्रवार को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग माध्यम चुनने का फैसला किया। रमन सिंह को कलेक्ट्रेट जाना था और वो अपने आधिकारिक वाहन से नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचे। इस रिक्शा की खास बात ये थी कि इसकी चालक एक महिला थी। रमन सिंह ने महिला चालक को प्रोत्साहित करने के लिए इस रिक्शा की सवारी की। कलेक्ट्रेट पहुँचे रमन सिंह ने जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में रमन सिंह सिर पर गमछा बांधे मकान की दीवार की ईंट जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकास खंड के जोकापाट गांव में पहुंचे। यहां शोभरन नाग के मकान की जुड़ाई का काम चल रहा था। मुख्यमंत्री ने शोभरन का गमछा अपने सिर पर बांधा और ईंट जोड़ाई के काम में जुट गए। इस गाँव में शोभरन नाग सहित 57 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए के मान से राशि मंजूर की गई है। ये बीजेपी के ही सीएम हैं जिनकी सादगी इस कदर दिख रही है। ये मोदी इफेक्ट है जो उनके मुख्यमंत्रियों को भी आम बनाए हुए है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।